हेलो दोस्तों, फिर से आपको स्वागत करता हूँ पीके इलेक्ट्रॉनिक्स का और एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है एक ऑडियो बोर्ड, और दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का और अच्छी ऑडियो बोर्ड दिखाऊंगा जो कि टर्न रजिस्टर का बना हुआ है। और दोस्तों वीडियो को पूरा देखते रहिए क्योंकि ये ऐसा कोई वीडियो मैं अभी तक नहीं बनाया है मेरे चैनल में, आप देख सकते हैं। और दोस्तों बिना किसी बात किए ही मैं वीडियो को स्टार्ट कर देती हूँ और इसका पैकेज को अनबॉक्सिंग कर लेती हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये हमारा जो है 2N3055 का एक ऑडियो बोर्ड जो कि मैंने ऑनलाइन से मंगवाए थे, और इसका पूरा अनबॉक्सिंग मैं करके दिखाऊंगा आपको, और ये कैसे किस जगह पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी बताऊंगा। दोस्तों मैंने इसको ऑनलाइन से परचेस किया था तो इसका प्राइस लगभग मुझे 600 रुपया तक पड़ गया है, देख सकते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों कितना अच्छी क्वालिटी का 3055 वाला हमारा ऑडियो बोर्ड, देख सकते हैं। ये हमारा 4 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये देखिए 3055 4 ट्रांजिस्टर, और कुछ इस प्रकार से इसका सोल्डरिंग किया हुआ है। और देख सकते हैं ये हमारा पोटेंशियोमीटर कुछ, जो कि एक हमारा वॉल्यूम के लिए हो जाएगा, एक बेस ट्रेवल के लिए। हमारा स्पीकर आउटपुट जो कि हमारा 2 स्पीकर चलेगा इसमें। और दोस्तों ये आप इसमें इधर देख सकते हैं 450 वाट लिखा हुआ है, पर दोस्तों इसमें 450 वाट की कोई स्पीकर आप नहीं चला सकते, इससे कम वाटेज का आप आसानी से बिल्कुल आसानी से चला सकते हैं, जो कि आपका 150 वाट का दोनों स्पीकर होगा तो इसका साउंड क्वालिटी जो है वो बहुत बढ़िया होगा, ये देख सकते हैं दोस्तों। और इसका हीट सिंक के बारे में दोस्तों बात करें तो इसका हीट सिंक भी उतना ख़ास नहीं है, और दोस्तों अगर आप इसको ऑनलाइन से परचेस करते हो तो ये महंगी नहीं है उतनी जितने कि जो हमारा 3055 वाला ट्रांजिस्टर होता है। और दोस्तों और एक चीज़ आपको बता देती हूँ, ये हमारा जो आप देख सकते हैं ट्रांजिस्टर 3055 वाला, ये हमारा ओरिजिनल ट्रांजिस्टर नहीं होता है ये बोर्ड, हालांकि दोस्तों कोई कंपनी में तैयार नहीं होता है, किसी ने भी बना देते हैं और इसको ऑनलाइन में सेल कर देते हैं। और दोस्तों देख सकते हैं, और ये मुझे मिल गया लगभग 600 रुपये में मिल चुका है, मेरे घर पे ही डिलीवर किया गया है। और आपको एक चीज़ बता देती हूँ, 3055 का जो ट्रांजिस्टर होता है वो एक ट्रांजिस्टर का ही आपको 300 रुपया तक पड़ जाते हैं ओरिजिनल अगर होगा तो। और दोस्तों 3055 वाला जो ट्रांजिस्टर होता है वो चाइना से आता है ओरिजिनल, और अभी हमारा इंडिया तो इसको तैयार कर रहा है ओरिजिनल, तो इंडिया से ही हमें मिल जाएगा। और देख सकते हैं कुछ ये सोल्डरिंग करने के लिए कुछ इधर मेंशन किया गया है, और इसका कैपेसिटर के बारे में बात करें तो ये देख सकते हैं दोस्तों 2200 फैरड का 35 वोल्ट का आपको कैपेसिटर दोनों मिल जाते हैं। इधर रेक्टिफायर ब्रिज बना हुआ है, और इधर रेजिस्टेंस वगैरह, और ये हमारा ट्रांजिस्टर वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। दोस्तों इसका आप ऑडियो टेस्टिंग का वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं इसका वीडियो में इसके बाद बना दूंगा, वो आप मेरे चैनल में जाके देख लीजिएगा। और दोस्तों इसमें वॉल्यूम के लिए पोटेंशियोमीटर जो यूज़ किया हुआ है, ये हमारा एक वॉल्यूम है 47K का, और दोनों 100K का, एक हमारा ट्रेवल के लिए एक बेस के लिए। दोस्तों इसके साथ आप कितने वाट का और कितने आरएमएच का और कितने ओम्स का स्पीकर चला सकते हैं उसके बारे में मैं बाद में वीडियो डाल दूंगा मेरे चैनल में, आप जाके देख सकते हैं। और दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।